आगरमालवा में भाजपा शासनकाल में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए गो अभ्यारण, वही कांग्रेस शासनकाल में हर पंचायतों में गायों की सुरक्षा के लिए गौशालाएं बनाई गई, इसके बावजूद हाईवे पर गायों की हत्याओं का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में नगर पालिका आगर की लापरवाही सामने आई थी, जहाँ रविवार को उज्जैन रोड स्थित स्ट्रेचिंग ग्राउंड पर दो गाय एक के ऊपर एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से कचरे के ढेर में पड़ी मिली थी, जिन्हें कुछ कुत्ते अपना भोजन बना रहे थे। दूसरा मामला सोमवार रात को हाईवे पर कोटा रोड सांची डेयरी पॉइंट पर मरी पड़ी गाय का है, जिसे किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शासन द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से गांव-गांव बनाए गए गौ अभ्यारण, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते गायों की हाईवे पर हो रही मौत को लेकर बजरंग दल द्वारा चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गाय सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए जाने का आश्वासन देने पर ही बजरंग दल द्वारा जाम को खोला गया। वही बजरंग दल सहसंयोजक राहुल माली द्वारा बताया गया कि यदि ऐसी स्थिति आगे बनती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। गाय है गौ माता, आज तो नहीं, अब ये जब शुरुआत बारिश का टाइम चल हुआ था उस टाइम पे हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दे दिया था कि बारिश के समय पे क्या है कि सभी गांव वाले रोड पे छोड़ जाते हैं गाय को, और ये गाय रोड पे एक्सीडेंट में हर बार मरी जाती है, इसलिए हमने लिखित में उनको बोल दिया था कि इनको जितनी भी गौशालाएँ खुली अभी पूर्व सरकार में ये इनको गौशाला में किया जाए, या फिर जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य अपने आगर जिले में, हमने वहाँ का भी बोला था उनसे कि ये सब गाया को वहाँ पे भेजा जाए, लेकिन 30 जून से लेकर अभी तक कोई इनने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, और रोज़ हर तीसरे दिन चौथे दिन हम रोज़ गाया को रोज़ गाया एक्सीडेंट होती है, हम रोज़ इनको या तो कभी पावड़े से भी छोड़ते, ऐसी स्थिति भी आती है। अभी परसों के दिन की भी एक घटना है, 6 गाय के ऊपर एक ट्राला चढ़ा जिसमें से 4 गाय मृत हो गई और 2 का पैर काटने पड़े, ये स्थिति हर तीसरे दिन बनती है, इसलिए इसके निमित्त हमने आज बजरंग दल द्वारा या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। क्या आश्वासन दिया गया आज आपको विभाग द्वारा? विभाग द्वारा एसडीएम साहब से हमारे जिला मंत्री जी की बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में इसकी ये जितनी भी गाय रोड पर घूमती है इनको हम सालरिया गौशाला जो अभ्यारण्य है वहाँ, या फिर पूर्व सरकार में जितनी भी गौशालाएँ बनी है ग्राम स्तर पर वहाँ पर पहुँचाने का हम जल्दी जल्दी कार्य करेंगे। यदि आगे भी ऐसी स्थिति बनती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? यदि आगे भी ऐसी स्थिति बनती है तो बजरंग दल द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? राहुल माली, बजरंग दल जिला शासन।